आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ की बहुत ही फेमस मिठाई जो है बनाना हलवा। बनाना हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और कभी भी आपके घर में जो केले आते हैं और केले नहीं खाए गए जो बहुत ज्यादा चित्तीदार हो जाते हैं उनसे भी आप इसे बना सकते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं, तो इस दिवाली इसे जरूर बनाइएगा। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये 3 केले पके हुए और यहाँ थोड़े से हमें ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, ये आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं ये खरबूजे के बीज, थोड़े से हैं ये 1 टीस्पून के करीब, और 2 टीस्पून के करीब हैं ये कद्दू के बीज। इसकी जगह आप बादाम भी डाल सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं, काजू के छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इलायची फ्लेवर देने के लिए इलायची के दाने लिए हैं, 4 से 5 इलायची के दाने हैं ये। और यहाँ है 4 टेबल स्पून देसी घी और 1 कप चीनी, यानी अगर ग्राम में से नापेंगे तो 150 ग्राम चीनी है। तो यहाँ हमने केले का छिलका उतार लिया है और ये पीसेस में इनको कट कर लिया है और अब हमें बनाना है इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट। तो इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। गैस को हमने ऑन कर दिया है, स्लो पे रखा है गैस को और कढ़ाई रखी है इसके ऊपर हमने, और इसमें हम सिर्फ खाली अभी कढ़ाई गरम करी है और इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डालेंगे। इनको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को हम वापस से रख देंगे गैस पे और स्लो गैस पे हम ये 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये हमने देसी घी डाला है, ऑयल नहीं है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, डालडा घी में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ देसी घी में ज्यादा अच्छी लगते हैं तो हम बनाएंगे इसे देसी घी में। अब ये घी गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे ये केले वाला पेस्ट। और इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है, और इसको भुनने में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ हमको इसे चलाते हुए अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं और जो घी हमने डाला था वो बिल्कुल इसमें इसने सोख लिया है। तो अब हम बीच में इसमें घी और डालेंगे, तो 2 चम्मच घी मैं और डाल देती हूँ। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है और लगातार चलाते हुए हमें इसे स्लो गैस पे ही भूनना है। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसे अच्छे से चलाते हुए और ये अच्छे से भुन गया है, क्योंकि जब हमने इसमें 2 बार घी डाला, 2 बार करके हमने घी डाला है यानी 4 टेबल स्पून, और जब घी डाला था तो घी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया था और जब ये भुन चुका है तो घी बिल्कुल रिलीज हो चुका है इसमें से। तो अब हम डालेंगे ये इलायची के दाने। और इसमें हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट और चीनी और इसको भी हम अच्छे से कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, यानी बाइंड होना शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसको हमें फिर से भूनना है अच्छे से
तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और इस स्टेज पे ये थोड़ा सा ब्लैक सा होने लगेगा, तो हम इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है, थोड़ा सा आप पसंद करते हैं तो कलर के लिए, यानी थोड़ा सा अच्छा दिखे उसके लिए आप डाल सकते हो। कुछ बूंदे हम डाल रहे हैं इसमें येलो फूड कलर की, ताकि ये देखने में सुंदर लगे, नहीं तो थोड़ा सा इसका ब्लैकिश ब्राउन सा कलर आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और इसको हमें अब लगातार चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल घी छोड़ दिया है इसने, कढ़ाई भी छोड़ दी है, तो बहुत अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, जैसे आटा होता है उस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बाइंड होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है ये हलवा जो है तैयार है। और इसको हम अब हम एक प्लेट में जमाएंगे, ठंडा करेंगे। तो ये इस तरीके से जब होने लगे तब इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। आप स्टील की प्लेट में भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम की प्लेट में भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज में आप इसे जमा सकते हैं। और इसको हम निकालेंगे इस ग्रीस की हुई ट्रे में। और बिल्कुल एक सार करके इसको जमने देंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है और ये काफी हद तक ठंडी हो चुकी है। अभी इसको कट करके एक बार हम देख लेते हैं कि ये इसके पीसेस कट हो रहे हैं या अभी नहीं। तो जितने बड़े आपको पीस करने हैं उतने बड़े आप पीस कर सकते हैं इसके। अभी ये अच्छे से कट हो रही है, तो ये बिल्कुल मिठाई सेट हो चुकी है। तो ये देखिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और बहुत अच्छे पीसेस बन के तैयार हुए हैं, यानी ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनी है और खाने में बिल्कुल टॉफी जैसी लगती है, और बच्चे तो इसे इतने मज़े से खाएंगे कि पूछे ही मत। तो ये देखिए इस मिठाई को अब हम सारे पीसेस को अलग कर लेते हैं और अब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। तो ये लीजिए साउथ का बहुत ही फेमस बनाना हलवा बनकर तैयार है। तो इसे इस दिवाली जरूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब आप बताएंगे कि इसे केले से बनाया है, पके हुए केले से बनाया गया, तब उन्हें पता लगेगा, बिल्कुल भी पता नहीं लगता और च्यूई होता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो इसको ज़रूर बनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।